स्टूडेंट्स ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में श्रीमती कुसुम और आपको बहुत स्वागत करते हैं। आज हम जो रिवाइज्ड एक्सरसाइज है, आपको जो इसके पहले की क्लासेस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो आपको वाक्य समझाए गए थे, आज उसी का हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको उसको चेंज करना है, ठीक। तो आपको कुछ रिवाइज दे रहे हैं, आप उसको पहचानेंगे कि ये हमें किस टेंस में जो है शब्दों को बदलना है। तो डू एज डायरेक्टेड, मतलब इसको आपको स्वयं हल करना है, ठीक। आप फर्स्ट टू सेकंड नहीं करेंगे, ये हम बाद में आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस का भी नहीं आया है। आप थर्ड से इसको शुरू करेंगे, ओके। थर्ड से आपको शुरू करना है, थर्ड पॉइंट से। तो ही प्लेड क्रिकेट देयर, आप चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, तो आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो आप इस शब्द को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बदलेंगे। माय टीचर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मींस इसको सिंपल पास्ट में आपको कन्वर्ट करना है इन शब्दों को। वेयर द स्टूडेंट्स नॉट मेकिंग नॉइज, इसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है। ही डिड हिज वर्क, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। सेवन, ही डिड हिज वर्क इन टाइम, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बदलना है, ठीक। इट इज रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बदलना है। अलका हैड her breakfast at 8 a.m. past perfect. Ashok is absent from the class, present perfect. Arun is going to Bhopal, ये आप future है, ये रहने दीजिए, इसको हम बाद में बताएंगे। Students were planting trees, past perfect में, और यहाँ तक आपको करना है, okay? इसके आपको solutions भी दे रहे हैं। He does his duty well into negative. आपको negative पढ़ाया गया है ना, उसको बदलना है। Her father teaches her Hindi. Past simple. फिर the child carried from for milk. Present में बदलना है। Our teacher never comes late. ये negative में बदलना है। We saw a very good movie yesterday. इसे भी negative में बदलना है। Rashmi carried from for water, present continuously. We did it, ये negative में. The servant gave you all the milk, ये आपको make a question with a how much, मतलब आपको ये question mark interrogative में convert करना है, ठीक है बच्चों। देखिए आपको जो भी आपको clear किया है मैंने, आप solutions जो है वो दिए गए हैं, आप इन सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, उन्हीं का आंसर्स लिखा है, तो आप इसको पढ़िए और समझिए। अब एक और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है, इसको भी आपको करना है। आंसर दिस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, यूज द पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हिच एवर इज सूटेबल, मतलब कि आपको जो खाली स्थान है उसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस जो भी इसमें सूटेबल वर्ड आएगा वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक। तो ये आपको चार दिए गए हैं पॉइंट्स, इसमें आपको ये शब्द दिए गए, एंटर, एंटर को अपन पास्ट सिंपल में जो बदलेंगे और या कंटिन्यूअस में, इसमें कौन सा आएगा, ये आपको टेस्ट दे रही हूं मैं, आप इसको टेस्ट को करके, टेस्ट वन, ठीक है, आप इसको करेंगे, ठीक। इसी प्रकार आपको ये टेस्ट भी देना है, टेस्ट टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यूज द सिंपल पास्ट, ठीक है, और प्रेजेंट वर्ब विच इज सूटेबल।
ये जो 10 points दिए गए हैं इनमें जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं, जैसे फर्स्ट में लिखा है माई फादर डैश, फिर लिखा है बाय, हाँ आकार, ही डैश बाय एंड लास्ट मंथ, तो ये जो ब्रैकेट में बाय लिखा है, सेकंड में सी बी कम, इनको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना, ये वर्ब कहलाते हैं। वर्ब में आपको क्या लगाना है, सेकंड या थर्ड फॉर्म है उसके टेंस के हिसाब से आपको इसमें अरेंज करना है और ये इस टेस्ट को पूरा करना है। थैंक यू। आपको एक और टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट थर्ड, इसमें भी आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है जो अभी फिल इन द ब्लैंक्स में बताई गई थी, ठीक है। वर्ब में आपको प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से वो फिल करना है, ठीक, और अच्छे से लिखना है, टेस्ट को करना है। थैंक यू।